दुराचारी के मंगलकारी कौन, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दुराचारी व्यक्ति हम लोग किसे कहते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा। जिसका आचरण ठीक नहीं है, जिसका भाव ठीक नहीं है, जिसके विचार शुद्ध नहीं है, जिसका संग शुद्ध नहीं है, उसको हम लोग दुराचारी कहते हैं। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों का अमंगल करता है, दूसरों को क्षति पहुंचाता है, उनको हम लोग दुराचारी कहते हैं। और जो अपना भी विनाश करता है, जिसको अपने मंगल की कोई चिंता नहीं है, अपना मंगल कैसे होता है, अपना कल्याण कैसे होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, वो दुराचारी व्यक्ति इस संसार में कहलाता है। वो दूसरे का खून करने से, दूसरे का मर्डर करने से हिचकिचाता नहीं है, चोरी करने से, भ्रष्टाचार करने से, पाप करने से, अन्याय करने से उसको डर नहीं लगता है, और वो हमेशा इन कामों में लिप्त रहता है। चोरी, डकैती, बदमाशी, ये सब करना उसके लिए स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग अक्सर दुराचारी व्यक्ति कहते हैं, जो हमेशा समाज को कष्ट देता रहता है, जो परिवार को कष्ट देता है, जो राष्ट्र को कष्ट देता है, जिसकी वजह से सब लोग दुख पाते रहते हैं, उसको हम लोग दुराचारी व्यक्ति कहते हैं। जैसे हम लोग हमारे शास्त्रों में श्रवण करते हैं, रत्नाकर डकैत का नाम आप लोग सभी ने सुना होगा। रत्नाकर इतना बड़ा डकैत था कि जंगल में जितने मनुष्य गुजरते थे वो सबको मार करके उनका धन हरण कर लेता था, और पशु पक्षियों की हिंसा करता रहता था। पशु पक्षियों को जब वो तीर छोड़ता, उस समय इस तरह से वो तीर बाण छोड़ता था ताकि वो छटपट छटपट करता रहे, और दो तीन घंटा तक तड़पता रहे। थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाए, थोड़ी देर तड़प करके वो मर जाए, ऐसा उसको अच्छा नहीं लगता था। तो दूसरे के दुख में उसको सुख है। कोई तड़प तड़प के मर रहा है, तड़प तड़प के अपना प्राण दे रहा है, उसमें रत्नाकर डकैत को आनंद मिल रहा है, उसको खुशी मिल रही है। ये सब दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। दूसरे को धन को हरण करने में उसको आनंद मिल रहा है। तो एक बार जो है, जहाँ पर ये रत्नाकर डकैत जो है शिकार खेल रहा था, प्राणियों की हिंसा कर रहा था, प्राणियों को अधमरा करके छोड़ रहा था, उसी रास्ते से नारद जी गुजरते हैं। नारद जी ने यह भयावह दृश्य देखा कि जो है बहुत सारे जंगली जानवर पड़े हुए हैं, सबके ऊपर तीर लगा हुआ है, और सब लोग जो है छटपट छटपट कर रहे हैं। मरने का समय सबका निकट है और सब लोग जो है छटपट छटपट करके कराह रहे हैं, और नारद जी की तरफ करुण दृष्टि से देख रहे हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। ऐसा दृश्य देख करके नारद जी के अंदर एक करुणा जागी और वे रत्नाकर डकैत के पास में जाके बोलते हैं, आपने इन पशुओं को, निर्बल पशुओं को इस तरह क्यों मारा है? तो रत्नाकर डकैत बोलते हैं, ये तो मेरी वृत्ति है, ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा व्यवसाय है, मैं इनको मार करके इनका मांस को बेचता हूं और इससे मेरी आजीविका चलती है, मेरा जीवन चलता है, और मेरा आपके प्रति सबसे बड़ा उपकार है कि मैंने अभी तक आपको छोड़ा है, आपको मारा नहीं है, नहीं तो मैं किसी भी मनुष्य को देख के छोड़ता नहीं, उसको मार देता हूं। किंतु आपका एक साधु का ड्रेस है, इसलिए मैंने अभी तक आपको छोड़ा है, अभी आप यहां से चले जाइए, नहीं तो मैं आपको भी मार डालूंगा। नारद जी ने बोलता है, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, मुझे जरूर मार डालना, दूसरे को मारते हो मुझे भी मार देना, कि तो मेरे तुमसे दो एक प्रश्न है, उन प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपने जो इतने सारे पशु पक्षियों को मारा है, इनको क्या आप एक मिनट के अंदर मार के नहीं छोड़ सकते? उनको ऐसा तीर मारिए ताकि वो तुरंत जो है मर जाए। किंतु आपने तो इस तरह उनको तीर मारा है कि
कोई आधा घंटा में मर रहा है, कोई एक घंटा में मर रहा है, कोई दो घंटा में मर रहा है और तड़प तड़प के मर रहा है। वो बोलता है कि इनके तड़पने में मुझे बहुत आनंद मिलता है, ये जब तड़पते हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो नारद जी बोलते हैं, आज तुम जितने प्राणियों को मार रहे हो, ये समस्त प्राणी एक दिन मारने के लिए तुम्हें तैयार हैं, ये तुम्हें मारेंगे। नरक में जब तुम जाओगे वहाँ पर सारे के सारे ये समस्त प्राणी तुमको मारेंगे, तुम्हारा पाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है, इसलिए तुम इस पाप से डरो, इस अन्याय से डरो, तुम जो हिंसा कर रहे हो ये अच्छी नहीं है, इस हिंसा का परिणाम बहुत दुखप्रद होने वाला है, इसलिए हम लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो नारद जी की बात थोड़ी उसके हृदय में लगी, वो बोलता है आपके कहने से मैं इस पाप को छोड़ दूंगा, किंतु मेरी आजीविका कैसे चलेगी। वो बोलते तुमको अपने जीवन जीने की कोई चिंता नहीं है, तुमको तुम्हारे परिवार को जितना खाना जरूरत है, जितना खाद्य जरूरत है, रहने की जगह जरूरत है, उसकी व्यवस्था की गारंटी मैं लेता हूँ, तुम आज से इस पाप को छोड़ दो। एक साधु के कहने पर रत्नाकर डकैत अपनी दुष्ट वृत्ति को छोड़ता है, साधु पर विश्वास करता है और नारद जी सारे गांव में बोल देते हैं आसपास में, आज से रत्नाकर डकैत साधु हो गया है, आप लोग सब उसके लिए जो है खाने की व्यवस्था करिएगा, उसको खाने में कोई कमी नहीं आना चाहिए। सारे गांव के लोग जो है थालियां भर भर करके खाना ले जाते हैं और इतना खाना उसके पास पहुंचता है, इतना भोजन पहुंचता है कि वो उसको ख़त्म नहीं कर पाता है और सबसे बोलता है अब ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और नारद जी के कहने पर जो है निरंतर राम नाम का जप करता है, भगवान का नाम जप करता है। और इस प्रकार जो है जो कितना बड़ा डकैत था जिससे सारा समाज दुखी था, वो आज जो है संत की कृपा से जो है एक भक्त बन गया और दूसरे का हित करने लगा, दूसरे का मंगल करने लगा और उसका अहित, उसका खराब स्वभाव चला गया। तो इस प्रकार जो है एक साधु की कृपा से, एक भगवान की कृपा से जो है किसी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगाई माधव के बारे में सुनते हैं। जगाई माधव जो है बहुत बड़े डकैत थे और उनको देख करके सारे नवद्वीप के लोग जो है डरते रहते थे, उनको देख करके अपना रास्ता बदल देते थे। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो उन्होंने नहीं किया, चोरी डकैती बदमाशी भ्रष्टाचार जितना भी कुकर्म है उन्होंने सब किया है। किंतु जब नित्यानंद प्रभु के सामने वो आते हैं, नित्यानंद प्रभु उनका मंगल विधान करते हैं और उनको भी जो है भक्त बनाने के लिए, उनको भी संत बनाने के लिए, उनको हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए बोलते हैं। जगाई जो है उनके सिर में मिट्टी का जो कलसी होता है उसको मार देता है, उनके सिर से खून बनने लगता है, फिर भी नित्यानंद प्रभु बोलते हैं एक बार हरे कृष्ण नाम बोलो, एक बार हरे कृष्ण बोलो, एक बार कृष्ण का स्मरण करो। और एक दुष्ट पर भी, एक असुर पर भी जो है दया करने से नहीं चूकते हैं संत प्रवृत्ति के लोग। और नित्यानंद प्रभु ने जो है उनका मंगल करने की सोची और उनका मंगल हुआ और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई माधाई जैसे बड़े बड़े डकैत साधु बन गए, संत बन गए। इस प्रकार जो है दुराचारी का मंगलकारी कौन, ये जो विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, तो जो बड़े बड़े दुराचारी जिनको हमने देखा इनके असली मंगलकारी कौन है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। तो बोलते हैं बड़े से बड़े दुष्टों के मंगलकारी जिनको समाज त्याग कर देता है, जिनको परिवार त्याग कर देता है और जिनका संसार में अपना कोई नहीं होता है, उनका अपना होते हैं भगवान, उनके अपने होते हैं संत। संत किससे घृणा नहीं करते हैं। जब इस संसार में जीव अकेला पड़ जाता है, सारा विश्व उनको छोड़ देता है, उस समय भगवान उनके सहारा बनते हैं, उस समय संत उनके जीवन में आते हैं, उस समय गुरुदेव उनके जीवन में आते हैं, यही इनके अपने हैं। इस प्रकार जो है संत भगवंत और गुरु और भक्ति ये जो है दुराचार्य के भी अपने आश्रय हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो
सम्यक व्यवसित ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। गीता में कितना बड़ा आश्वासन हम लोग को दिया है, कितना बड़ा भरोसा दिया है। हमारा जीवन कितना भी निराशामय क्यों ना हो, हमारे जीवन में भी पाप आ सकते हैं, हमारे जीवन में भी दुराचार आ सकते हैं, हम भी बड़े से बड़े दुष्कर्म में किसी कारण से लिप्त हो सकते हैं, किंतु हमको भरोसा नहीं छोड़ना है। हमारे जीवन में एक आशा का किरण है, हमारे जीवन में भरोसा का किरण है। जिस समय सारे संसार के लोग हमारा त्याग कर देते हैं, जिस समय हमारे मित्र सगे संबंधी हमको छोड़कर चले जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, उस समय एकमात्र भगवान हमारे सहारा होते हैं। भगवान हमारे अंदर आकर के हमारे अंदर जो दुष्ट वृत्तियां हैं उनको दूर करने का उपाय हमको बताते हैं। संत महात्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं और वे हमको ऐसी सलाह देते हैं, ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि हमारी दुराचार वृत्ति छूट जाती है और हम जगाई मदाई जैसे महाडके से महासंत बन जाते हैं। जगाई मदाई ऐसे परम संत बन गए थे, ऐसे परम वैष्णव बन गए थे, ऐसे परम भक्त बन गए थे, इतने महान साधु बन गए थे कि सारे नवद्वीपवासी उनको आपस में प्रेम करने लग गए थे, उनको देख के प्रणाम करते थे, इतने महान संत बन गए थे। और जगाई मदाई भी जो है सारे नवद्वीपवासियों को प्रणाम करते थे, प्रतिदिन 100,000 हरिनाम जप करना शुरू कर दिए थे, इतने महान संत बन गए थे। इस प्रकार जो है कोई कितना बड़ा से बड़ा भी दुराचारी क्यों ना हो, किंतु गीता में आश्वासन दिया है अपि चेत सुदुराचारो भजते ही माम अनन्य भाग। जो सब कुछ आश्रय छोड़ करके एकमात्र भगवान की शरण में आ जाता है और भगवान का अनन्य भाव से भजन शुरू कर देता है, वो खूब जल्दी से जो है संत बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो अति शीघ्र जो है धर्मात्मा हो जाता है, महात्मा हो जाता है, संत बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नमः भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, कोई कितना बड़ा से बड़ा भी दुराचारी क्यों ना हो, एकमात्र मेरी शरण ले लेता है, मेरा भजन आरंभ करता है और मेरे प्रिय संतों का संग करता है और गुरुदेव की शरण ले लेता है, उसका मैं अतिशीघ्र उद्धार कर देता हूँ और उसको मैं जो है महात्मा बना देता हूँ। इस प्रकार इस संसार में बहुत व्यक्ति हैं जो कुसंग के प्रभाव से दुष्ट वृत्ति के हो जाते हैं, दुराचारी वृत्ति के हो जाते हैं, दुष्ट बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। उनका इस संसार में एकमात्र मंगल करने वाले भगवान हैं और संत हैं और सद्गुरु हैं। इसलिए हम लोग को मित्रता करना है तो संतों से करना है, मित्रता करना है, अपना किसी को मानना है तो भगवान को मानना है। हमारा फेसबुक में और हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ न कुछ साधु का कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, वैष्णव लोग के कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। कम से कम महीने में एक बार उनसे हम फोन कर सके, महीने में एक बार उनसे मुलाकात कर सके, महीने में एक बार उनसे कॉन्टैक्ट में रह सकें, बीच बीच में उनसे परामर्श ले सकें। इसलिए सत्संग में यदि हम जीवन बिताते हैं, साधु संघ में जीवन बिताते हैं तो निश्चय हमारा मंगल होगा। यदि हम दुसंग में पड़ जाते हैं तो निश्चय हमारा अमंगल होगा, हम नरकगामी होंगे, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ही बोलते हैं सत्संग स्वर्गवास दुसंग नरकवास। सत्संग में जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात हम लोग श्रेष्ठ स्थान पर गमन कर पाते हैं, हमारा मंगल होता है, हमारा प्रमोशन होता है। यदि हम दुसंग में पड़ जाते हैं तो हमारा डिवोशन होता है, हमारी अवोन्नति होती है। इसलिए जो है हमको सत्संग च्वाइस करना है, सत्संग में रहना है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, रामचरितमानस में बोला है कि बिना सत्संग के जीवन में कभी विवेक जागृत नहीं हो सकता है और बिना विवेक जागृत हुए हम कभी अपना मंगल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा मंगल कैसे होगा ये मुझे सोचना पड़ता है और मुझे सोचने का अवसर कब मिलता है, जब मैं सत्संग में जाता हूँ। जब मैं साधु संघ में जाता हूँ तब विवेक जागृत होता है, तब ज्ञान जागृत होता है। उस समय जीव जो है अपने कल्याण के बारे में सोचता है और इस संसार में अपने बंधु परम कल्याणकारी एकमात्र भक्त भक्ति भगवंत गुरु हैं। बाद बाकी इस संसार में सब हमारा विनाश करने वाले हैं, सब हमारा अमंगल करने वाले हैं, सब हमको नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि अपना हम मंगल चाहते हैं
अपनी दुष्ट वृत्ति को शिष्ट करना चाहते हैं, अपनी दुराचार वृत्ति को ठीक करना चाहते हैं, अपना परम मंगल करना चाहते हैं, तो आज से हमको भगवान का आश्रय दृढ़ रूप से करना होगा। हमको संतों का संग करना होगा, साधु का संग करना होगा, हमको सदगुरु का चरण आश्रय करना होगा और हमको भगवान की प्रेममय भक्ति करनी होगी, तब हमारा परम कल्याण हो सकता है। इसलिए हम लोग जो है इन सब का आश्रय करें और अपना परम कल्याण करें। हरे कृष्ण।